छतरपुर जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शुक्रवार का है, जहां एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका के पति संदीप पांडे ने बताया कि देर रात प्रसव पीड़ा के चलते मैंने अपनी पत्नी नीति पांडे को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर्स की लापरवाही से मेरी पत्नी की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में इंचार्ज CMHO डॉक्टर GL अहिरवार ने बताया कि देर रात महिला को भर्ती कराया गया था, जिसकी हालत गंभीर थी। वहीं ड्यूटी पर डॉक्टर रचना चौरसिया ने तत्काल मरीज का उपचार शुरू किया। वहीं मृतिका के पति संदीप पांडे ने अपने परिजनों पर भी पत्नी के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जिला चिकित्सालय छतरपुर में 3 जून 2022 को रात्रि 2:10 पर मुझे ऑन ड्यूटी डॉक्टर रचना चौरसिया ने बताया कि सर, जिला चिकित्सालय में एक महिला नीति पांडे, पत्नी संदीप पांडे भर्ती हुई थी, जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। उसका ब्लड प्रेशर 194/124 था और अत्यधिक गंभीर अवस्था में यहाँ लाई गई थी, प्रेग्नेंट थी। तो ड्यूटी डॉक्टर ने उसको तुरंत भर्ती करके उनका उपचार चालू किया और मेडिकल स्पेशलिस्ट एवं गायनेकोलॉजिस्ट को तत्काल कॉल किया। उन्होंने अत्यधिक प्रयास किया, क्योंकि महिला की स्थिति अत्यधिक गंभीर थी। गंभीर होने के कारण 2:40 पर उनको बचाया नहीं जा सका। मैं उसको रात्रि को लगभग 1:30 बजे लीवर पेन और हाई बीपी की वजह से मैं लेके आया था, और यहाँ कुछ देर ही ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई।